मुकेश जी, बहुत सही आपने बात कही है और मैं सीधे उसी विषय पर आता हूं कि गांधी से उन्हें दिक्कत यह है कि वे अपने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के समय के रोल को ढकना चाहते हैं। असली मुद्दा तो यह है और इसके लिए उन्होंने अब राजनीतिक चेहरों की बजाय धार्मिक चेहरों को सामने लाया है। आप देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम सारे आनुषांगिक संगठनों के लोग गांधी के खिलाफ विश्वमन करते रहे थे, लेकिन धार्मिक चेहरे इस काम में नहीं लगाए गए थे। और आपका जो विषय है आज का कि इसका एजेंडा क्या है गाली देने के पीछे, तो एजेंडा एक में यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में चूंकि संघ की कोई भूमिका नहीं थी, हिंदू महासभा की कोई भूमिका नहीं थी, और इसलिए जब उसका जिक्र होगा तो गांधी सबसे पहले रास्ते में खड़े दिखाई देंगे। इसलिए रास्ते से हटाने के लिए उनकी चरित्र हत्या की जाए, इसके तमाम सारे प्रपंच वे रचते रहते हैं। और गांधी को मारने के बाद इन लोगों को अभी चैन नहीं मिला है। और मैं इस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन के उस कथन को याद करना चाहता हूं जो गांधी की हत्या के बाद माउंटबेटन ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत काल पर्यंत इस कलंक से बच गई क्योंकि आपकी हत्या आपके ही देश में, आपके ही राज्य में, आपके ही लोगों ने की है। इतिहास अगर आपका निष्पक्ष आकलन करेगा तो आपको ईसा और बुद्ध की श्रेणी में रखा जाएगा। माउंटबेटन यहीं नहीं रुकते, वे जो कह गए थे हम उसको आज इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि आज उनका कहा चरितार्थ हो रहा है। माउंटबेटन ने उस वक्त कहा था कि कोई कौम इतनी कृतघ्न और खुदगर्ज कैसे हो सकती है कि अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक का सीना गोलियों से छलनी कर दे। इसके आगे जाकर माउंटबेटन कहते हैं कि ऐसा तो बर्बर, नृशंस और नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता। तो गांधी की शारीरिक भौतिक हत्या के बाद जो कहा गया था वो हत्या का सिलसिला आज भी जारी है। जिस गांधी की हत्या को उस वक्त हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार ने कहा था कि यह दूसरा क्रूसिफिकेशन है जो कि ईसा शुक्रवार के दिन ही हुआ है, 1915 वर्ष बाद ईसा मसीह को भी शुक्रवार के दिन ही सूली पर लटकाया गया था। तो ऐसा गांधी, अपूर्वानंद जी ने ठीक कहा कि दुनिया भारत के बाहर भी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जब हवाई जहाज में बैठकर दुनिया के किसी कोने में उतरते हैं तो गांधी या तो उन्हें मूर्ति के रूप में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा मिलता है या विचार के रूप में। असली लड़ाई यह है। लेकिन यही आपको यह देखना है कि ये जो धार्मिक चेहरे सामने लाए गए हैं इसके पीछे मंतव्य क्या है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि जो धर्म भीरु हमारा लोकमानस है, हमारे लोग हैं, हमारी जनता जो है वो धार्मिक लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुनती है। इसलिए अब गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों से गांधी को गाली दिलवाई जा रही है। आपने देखा होगा राजनीतिक लोग अब धीरे से पीछे किए जा रहे हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि धर्म संसद में राजनीति की बात हो और गांधी की बात हो और ऐसे हो कि इतने अपशब्द कहे जाएं। तो मूल लड़ाई यह है कि अपने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ न करने के अपराध बोध से निजात पाने के लिए गांधी को एक तरफ रखकर दूसरे को स्थापित करने की कोशिश है। राम पुन्यानी जी ने याद दिलाया कि 2 अक्टूबर, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि 30 जनवरी भी आने वाला है। और आप यकीन मानिए, इन दोनों दिनों में जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर गॉड से अमर रहे ट्रेंड होता है, गांधी जी को गालियां दी जाती हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, इसे जानने और समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये पाइथागोरस की प्रमेय नहीं है कि कौन लोग गॉड से अमर रहे ट्रेंड कराते हैं। ये वही लोग हैं, चेहरे बस अलग अलग हैं। प्रभाष जोशी जी ने जिस विचार परिवार को 7 मुंह का अजगर कहा था, उसी में से एक मुंह वो होता है जो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट पर जाकर फूल चढ़ाता है, और बाकी के 6 चेहरे, बाकी के 6 मुंह गॉडसे को ट्रेंड कराते हैं। सवाल यह है कि इस देश के लोग, हम और आप, बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक लोग मौन क्यों हैं? कितने लोग हैं हिंदू धर्मावलंबी जो सच्चे सनातनी हिंदू महात्मा गांधी को दी जा रही गालियों के खिलाफ मुखर हुए हैं कल से अब तक या पिछले 3 दिनों में?